Well, welcome back to my YouTube channel, and today's video we are talking about a very dangerous virus, COVID-19 aka coronavirus. So guys, आजकल आप लोग जैसे देख रहे हो कोरोनावायरस का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है पूरे देश में, और इससे लेकर कुछ बहुत वायरल झूठ भी फैल रहे हैं. तो आज हम कोरोनावायरस के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उससे बचने के कुछ उपाय. ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना. और यार अभी हाथ भी, चलो बहुत टाइम बाद ये वीडियो बनाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 21 दिन का लॉकडाउन हम हो चुका है देश में. तो प्लीज़ यार, इस बात का आप पूरा तरह से सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके इस लॉकडाउन का सपोर्ट कीजिए. प्लीज़ घर पे ही रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना प्लीज़ घर में रहिए. गवर्नमेंट आपको टाइम दे रही है अपनी ज़रूरत का सामान लाने के लिए, तो प्लीज़ यार उसी टाइम पे आप सारा सामान ला दीजिएगा. तो यार प्लीज़ इस मुहिम में गवर्नमेंट का साथ दीजिए. और आगे बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में. तो कोरोना का नाम एक COVID-19 का नाम लैटिन भाषा में पड़ा है. लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट, क्योंकि इसकी संरचना मुकुट पे लगे हुए उभरे हुए कांटों की तरह थी, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक महामारी घोषित कर दी है. कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 16,778 लोगों की मौत हो चुकी है. अभी तक 381,990 लोग पीड़ित हो चुके हैं. अकेले भारत में इसके 511 मामले तथा 10 मौतें हो चुकी है. इसी के चलते सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन का फैसला किया है. इसका पहला मामला हमें चीन में देखने को मिला था दिसंबर में, इसके एक शहर वुहान में, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवरों के बीच काफ़ी ज़्यादा कालाबाजारी होती थी. और कोरोना वायरस के अभी तक इसका जो जहाँ से आया है वहाँ का पता नहीं लग चुका है कि कहाँ से आया है, पर अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके जो अनुवांशिकता है वो 80% चमगादड़ में पाए जाने वाले वायरस SARS से मिलती है. तो अभी तक वैज्ञानिक यही प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि शायद उसी वायरस से कोरोना का जन्म हुआ है, लेकिन अभी तक इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसीलिए इसका टीका अभी तक नहीं खोज पाए हैं. इटली में सबसे ज़्यादा प्रकोप इसका देखने को मिला है, जहाँ इसके सबसे ज़्यादा मौतें 6,772 लोगों की मौतें सिर्फ अकेले इटली में हुई है. चाइना में 3,000 लोगों की मौतें हुई है. और अगर बात करें इसके खतरनाक वाले प्रकोप की, तो सिर्फ कल के ही दिन यानी कि 23 तारीख को ही करीब 1,872 मौतें पूरी दुनिया में हुई है. तो कोरोना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है. और इसके लेकर कुछ वायरल झूठ भी फैलाए जा रहे हैं लोगों के बीच, तो आपको बताते हैं कि उन झूठों का सच क्या है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि कोरोना वायरस में और जो इसका कोल्ड फ्लू है या वायरल फ्लू है इसके बीच अंतर करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी जो इसके एडवाइजरी है उसके ज़रिए हम जल्दी से इसके बीच डिफरेंस कर सकते हैं. तो इसके जो लक्षण हैं वो इस तरह से हैं कि इसमें तेज़ बुखार होता है, ठीक है, और तेज़ खांसी, लेकिन वो सूखी होती है, और जोड़ों में दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ, ये होते हैं कोरोना वायरस लक्षण. और जो नॉर्मल फ्लू वायरल के लक्षण होते हैं उसके भी यही लक्षण होते हैं, तेज़ बुखार, लेकिन उसमें बलगम वाली खांसी होती है, और गले में खराश जैसी समस्याएं कम ही उत्पन्न होती है, और जुकाम ज़्यादा लगता है. तो आपको कोरोना वायरस के लिए टेस्ट के लिए तभी जाना है जब आपको बहुत तेज़ बुखार हो, आपके गले में खराश या फिर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और तेज़ बुखार आ रहा हो आपको, ठीक है. तो ये लक्षण है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और अगर आपको कोरोना वायरस नहीं है तभी भी हॉस्पिटल जाके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मरीज होते हैं. तो प्लीज़ जितना हो सके हॉस्पिटल को आप अवॉइड ही कीजिए. अगर नॉर्मल फ्लू है तो एक बार डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, फ़ोन पर बात कर लीजिए उनसे, क्योंकि नॉर्मल मिलने की ज़रूरत नहीं है उनसे. और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो सिर्फ तभी हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाके सबसे ज़्यादा खतरा आपको हो सकता है. अब इससे जुड़े कुछ वायरल झूठ, जैसे कि शराब पीने से या फिर गांजा पीने से कोरोना वायरस कम होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऊपर से शराब पीने से आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है. हाँ, जो आपका सैनिटाइज़र है उसमें अल्कोहल की मात्रा होनी ही चाहिए, कम से कम 50% के ऊपर आपके अल्कोहल की मात्रा उस सैनिटाइज़र में होनी चाहिए, तभी आप उस सैनिटाइज़र को लें जब उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो कोरोना वायरस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है. दूसरा वायरल झूठ ये था कि गर्मी बढ़ने से कोरोना वायरस ख़त्म होता है. असल में इसका जो लॉजिक था वो ये था कि जैसे हम छींकते या खांसते हैं तो लगभग 3,000 से लेकर कुछ 3,000 या 3,350 कण, छोटे छोटे कण हवा में बिखर जाते हैं,
कोरोना वायरस जो है उन कणों के साथ मिलकर 3-4 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो कण जल्दी सूख जाएंगे और कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, लेकिन असल में ऐसा देखने को कम ही मिला है, क्योंकि सऊदी अरब जैसे देश जहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है वहाँ भी कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा लक्षण पाए गए हैं, और आइसलैंड ग्रीनलैंड जैसा देश जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। तो गर्मी बढ़ने से कोरोना वायरस ख़त्म होगा ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कोरोना वायरस का जीवन काल असल में खुले वातावरण में लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, और अगर ये लोहे के संपर्क में आ जाए तो ये 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, और अगर ये स्टील के संपर्क में आ जाए तो 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए अपने घर को या फिर अपने जो भी बाहर के परिवेश है उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये स्टील के संपर्क में आ जाता है, जैसे किसी कोरोना ग्रसित व्यक्ति को कोई बीमारी है और उसने खांसते समय अपने हाथ से किसी स्टील की वस्तु को टच कर दिया, तो कम से कम 2 से 3 दिन तक वो वायरस रह सकता है, और वो वायरस आपके शरीर में मुंह से या फिर जो भी हाथ से आपके शरीर के अंदर घुस सकता है। तो हमेशा मास्क का प्रयोग कीजिए, हाथों को बराबर सैनिटाइज करते रहिए, और हाथ धोने का तरीका इस तरह से है, पहले आप इधर धोएं, फिर इधर धोएं, इधर और फिर ऐसे में, और कम से कम 30 सेकेंड तक अपने हाथ इस तरह से लगातार धोते रहें। जितना ज़्यादा आप सावधानी का प्रयोग करेंगे उतना आपको कम चांसेस हुआ है कि कोरोना वायरस असर कर पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कोरोना वायरस आपको असर कर जाए। और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स यही है कि अपने हाथ मुँह को बार बार बिल्कुल भी ना छुएं, कोशिश करिए कि ना ही छुए तो बेहतर है, क्योंकि आपके हाथों में कई प्रकार की गंदियाँ होती है वो आपके मुंह के जरिए तुरंत अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि हमारी मुंह की त्वचा अपने और बाकी शरीर के त्वचा के मुकाबले सूखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। इसीलिए अपने कोशिश करिए कीजिए कि अपने हाथों को अपने मुंह पे ना ही लगा। भारत में कोरोना की बात की जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया इस बारे में, और इसीलिए हमारी 1 करोड़ 130 करोड़ की जनसंख्या इससे भी पार है, लेकिन इतना असर नहीं दिखा पाई, अभी भी कम ही असर है। तो कृपया करके अपने घर में ही रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने से बचिए, हमेशा शिष्टाचार में नमस्ते का प्रयोग कीजिए, और किसी से भी हाथ ना मिलाइए, और जितना हो सके सोशल से दूर ही रहिए, कनेक्टिव होने से दूर ही रहिए, उसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आया हो तो कृपया कर उस पर नज़र रखिए, और कम से कम 2-4 दिनों तक उससे दूर ही रहिए, और उसे भी सबसे दूरी रखिए, क्योंकि क्या पता उसके लक्षण बाद में दिखाई देते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का असर भले ही शुरुआत में कम हो लेकिन 5-6 दिन के अंदर अंदर उसमें निमोनिया हो जाता है इंसान को, और उसके बाद से ही वो उसके सांसों में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, तो दम घुट के उस इंसान की मौत हो जाती है। अगर उससे भी ना हो जाए तो 10 या 12 दिन के बाद पूरा जहर शरीर में फैल जाता है, और उसके बाद उस कोरोना ग्रसित व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके लोगों के कांटेक्ट से दूर रहिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, और बाहर घर से बाहर तो बाहर नहीं निकले तो अच्छा है आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए। ये वीडियो 24 तारीख की है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, तो प्लीज़ उस लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन कीजिए, नियम ना ही तोड़े तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस वाले आपको तोड़ सकते हैं। तो अच्छे से रहना, आप ही की इसमें भलाई है, ठीक है? तो घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छा है, और हमारे देश को जल्दी से जल्दी कोरोना रहित बनाने का आपका निर्णय और हमारे निर्णय और हमारा सहयोगी इस देश को बचा सकता है, क्योंकि बाहर से कोई भी इसे बचाने नहीं आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने परिवार वालों के साथ, और प्लीज़ वायरल झूठों से थोड़ा बच के ही रहिए, ठीक है? देश में वैसे भी अनाज की कोई कमी नहीं होने वाली, ये भरोसा दिला दिया गया है सरकार द्वारा, और जितना हो सके सरकार भरोसा सहायता करेगी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी है कि जितना हो सके हम बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे, जितने भी जनधन अकाउंट है उनमें पैसा डालेंगे हम लोगों के लिए। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सजग होना है इसके प्रति, और कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप और अपने परिवार वालों को भी सजग नहीं किया तो आप तो होंगी लेकिन आपके कारण बाकी लोगों को भी हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सीरियसली लीजिए, 21 दिन तक घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छी बात है, और निकलना हो तो बहुत ही ज़्यादा उससे निकलिए, सुरक्षित होकर निकलिए। और हाँ, अपने जो आसपास बूढ़े लोग हैं उन्हें तो कम
कम से कम उन्हें तो बिल्कुल भी बाहर निकलने मत दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस का असर बूढ़ों पे लगभग 14% ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खाइए आप लोग, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और कोरोना वायरस को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो यही कामना करते हुए कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा सजग रहेंगे, ठीक है, हाथ को लगातार धोते रहेंगे और कोरोना वाले वायरस से बचते रहेंगे, और इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे और शायद मेरी अगली वीडियो आने का इंतज़ार भी करते रहेंगे, ठीक है।